क्या ना, कलाम मुझे बड़े पसंद है, शायरी से भी है, बाबा बुल्ले शाह के कलाम मुझे, शेर व शायरी से भी आपका है कोई ताल्लुक? हाँ, मुझे इकबालियात को मैंने इतना पढ़े ना करें, ये चीजें लोगों को देखे ना आपके बारे में नहीं पता, मैंने बड़ा पढ़े और मैं लाइक मैंने उनकी जितनी भी शायरी है, इकबालियात से आपने क्या यार, इकबालियात की जितनी अगर आप इकबालियात को पढ़ें तो उसमें उनकी सारी की सारी शायरी कुरान पाक की तशरीह है, मतलब सारी की सारी वो किताबुल्लाह जो है उसकी तशरीह है उन्होंने। आपने इकबाल का एक शेर सुना दे, अजब सजा दे गया मुझे लस्ते खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में ना रहूं। क्या बात है, बहुत सारे मतलब इकबालियात से मुलाकात जो है वो करवानी जरूरी थी, बिल्कुल ये बहुत जरूरी था, बिल्कुल उन्होंने खुद ही पे कितना उन्होंने जो यूथ है जो नौजवान है और मतलब हर एक इंसान को खुद ही पे दस्त दिए, पीटीआई से भी है तो वो खुद ही से आपके डायरेक्ट ताल्लुक भी बन जाता है, नहीं नहीं खुद ही, हर एक इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो खुद ही होती है ना, अगर इंसान कहते हैं खुद को पहचान लेना तो इंसान पूरी दुनिया को पहचान लेता है। अच्छा वो हरीम जो आज हम देख रहे हैं ये पहले हमें नजर नहीं आती, तो क्या आपने खुद से सिलेक्ट करती है जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहती है, ये वाली हरीम क्यों नहीं हमें नजर आती कभी? बड़ी इंटरेस्टिंग सी हरीम है जो आज देख रहे हैं हम। नहीं, एजुकेशन से तो मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, मैं एमफिल में जाके मैंने अपना छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन वैसे मैंने मास्टर तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अच्छा, हम सबसे पूछेंगे कि बचपन की जो ईद है वो कैसी गुजरी, हाँ, और क्या फर्क है उनकी, कैसे ब्रेक हम शामिल कर देते हैं ये वो आपको ब्रेक के बाद बताएंगी। ब्रेक में अगर मुझे पिटाई होगी और मैं वापसी पे आपको ना मिलूं तो जिम्मेदार सिर्फ ये शख्स है। ब्रेक के बाद वापस